ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज का प्रकरण सूरदास काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास द्वारा विरचित पहला पद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है और उक्त पद पर आधारित 6 अंकों का विभाजन है। 6 अंक, 3 प्रश्न हैं। संदर्भ प्रसंग 1 नंबर से संबंधित है, पूरे पद की व्याख्या 4 नंबर से संबंधित है और काव्यगत सौंदर्य 1 नंबर से संबंधित है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 नंबर इस क्वेश्चन पर जाते हैं और कोई बहुत कठिन प्रकरण नहीं है। थोड़ा सा मस्तिष्क पर बल देने की जरूरत है कि जो एक काव्य की पंक्तियां लिखी हुई है ये क्या उद्घाटित करती है, इन पर आधारित प्रश्न का क्या उत्तर बनता है, सटीक उत्तर देना तुम सभी का दायित्व है। तो सर्वप्रथम मैं तुम लोगों के समक्ष सस्वर वाचन इस पद का कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। क्या है? विनय का पद है, देखिएगा, ये विनय का पद है। सूरदास जी जो है वो विनय पद के माध्यम से पार ब्रह्म परमेश्वर की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि कमल रूपी चरणों की मैं, पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूं, उस पार ब्रह्म परमेश्वर की जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत लांग जाता है। माने लंगड़े व्यक्ति को सब कुछ असंभव है, कुछ करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा है, कृपा है, तो जो है पर्वत लांग जाता है। नेत्रहीन व्यक्ति अर्थात अंधे को पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा से सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बधिर व्यक्ति है जिसके कर्णों को कुछ भी सुनने की सामर्थ्य नहीं है, और यदि पार ब्रह्म परमेश्वर की अनुकंपा हो जाती है तो बधिर व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति जो बोलने में अक्षम है वो बोलने में सक्षम हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात भिखारी वो जो है सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है, अर्थात धनवान हो जाता है, धन से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे करुणा से परिपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर को, करुणा के सागर पार ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्राप्त करके बार बार उनकी वंदना करता हूं। ये आपके समक्ष मोटे तौर पर इसका शाब्दिक अर्थ आया, इसका भाव आया। अब तुम्हारे सामने इसी पर बेस करते हुए क्वेश्चन आते हैं कि उपरोक्त पद का, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ व जो है उसके रचयिता का नाम लिखिएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड से सूरदास द्वारा विरचित विनय के पद शीर्षक से लिया गया है, विनय से लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्याख्या। अभी मैंने तुम्हें जो उद्घाटित किया, मोटे तौर पर भावार्थ बताया, इसी भावार्थ को इसी तारतम्य में रखते हुए, इसी से सामंजस्य स्थापित करते हुए, भाव इस पद से कहीं इतर न जाए, बढ़ा चढ़ा करके उसको लिखते हुए आगे चले गए। जैसा कि मैंने अभी भावा व्यक्त की थी तो वो हो जाएगी व्याख्या, वो तुम्हारी आती है 4 अंक की श्रेणी में। उसके बाद में काव्यगत सौंदर्य, जो ये तुम्हारे सामने पद दिया गया है, इस पद में काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, काव्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले
चरण कमल। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है चरण कमल भंडौ हरिराई। तो प्रस्तुत पद के माध्यम से संत कवि सूरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रभावी प्रयोग किया है। प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार द्रष्टव्य है। दूसरा है पुनरोक्ति, जहां पर एक शब्द दो बार उक्ति होती है तो क्या है वो? पुनरोक्ति अलंकार है। और तीसरी बात है जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात अनुप्रास सा 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 रा रा रा, तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार है। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से प्रत्येक पद को लेते रहिएगा और प्रत्येक पद लेने के बाद उस पर क्वेश्चन निर्धारित कर लीजिएगा और उन प्रश्न का सटीक उत्तर सुव्यवस्थित कीजिएगा। निश्चित रूप से तुम लोगों को 6 अंक प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूं, लेकिन जो भी मेरी बात सुन रहा है उससे एक बात जरूर कहनी है कि जो शिक्षण ऑनलाइन किया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से जो तुम्हें सामग्री मिल रही है अथवा व्हाट्सएप ग्रुप से जो सामग्री मिल रही है, अपना जो है रजिस्टर बना लीजिएगा और उस पर डे टू डे डेट डाल करके निश्चित रूप से अभ्यास करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। जस्ट हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी कक्षा कक्ष में, सारा अभिलेख आपका देखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।